सहारा और पल्स कंपनियों में गरीबों के निवेश हुए करोड़ों रुपए अब तक निवेशकों को नहीं मिल पाया है। तमाम सरकारी आदेश और राजनीतिक दबाव के बावजूद लोगों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने और उनके हक का पैसा उन्हें दिलाने के लिए बिजनौर के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन किया और उन्हें राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप कर पीड़ितों और निवेशकों को उनका पैसा जल्द दिलाने के लिए प्रशासन से मांग की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है। हमारे देश में सहारा इंडिया कंपनी का और पल्स कंपनी का लगभग लंबे समय से 2.25 करोड़ निवेशकों की रकम फंसी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार वो रकम दिलाने में निवेशकों की अभी तक असमर्थ रही है। हम सरकार से, राज्यपाल महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन निवेशकों की रकम उन लोगों को दिला दी जाए और इन कंपनियों के फर्जीवाड़ा के विरोध स्वरूप हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया है और इसके संबंध में हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन। आपको बता दें कि सहारा और पल्स दोनों ही कंपनियों में विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों के करोड़ों रुपए जमा हैं, जिसकी कोई सूद नहीं ली गई है। ऐसे में उम्मीद है कि इस ज्ञापन के जरिए सरकार जागेगी और जल्द निवेशकों को उनके हक का पैसा दिलाएगी। बिजनौर से दिल से यूपी चैनल के लिए दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।